भूत प्रेत, आत्मा, काला जादू, झाड़फूंक, इन सब शब्दों के मायने सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप इन सब चीजों में बिलीव ना करते हो, पर अगर मैं कहूं कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां ये सब कुछ आप अपनी आंखों से शुरू और खत्म होते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आत्मा का असर क्या होता है, आप देख सकते हैं कि पोजेस्ड इंसान कैसे दिखते हैं, आप देख सकते हैं कि काला जादू और वशीकरण एक इंसान की जिंदगी के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूं जिसकी वजह से आप अपने खुद के सवाल पर एक सवाल उठा देंगे, आइए जानते हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के बारे में जो हनुमान जी को समर्पित है। ये मंदिर अपनी अद्भुत शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का माहौल कुछ इस प्रकार का है कि अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है तो यहाँ के माहौल को देखकर उसकी रूह कांप जाती है, और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि कमजोर दिल वाले लोगों को इस मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। मेहंदीपुर गांव में स्थित बालाजी का ये मंदिर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है कि रोजाना हजारों की संख्याओं में भक्त उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। आपने भारत में अनेकों तरह के मंदिर देखे होंगे, पर सभी मंदिरों में एक चीज कॉमन पाई जाती है कि आरती के बाद भक्तों में प्रसाद बांटा जाता है और उस प्रसाद को कई लोग अपने घर भी लेकर जाते हैं। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के इस मंदिर की प्रथा सभी मंदिरों के मुकाबले बहुत बहुत अलग है। यहाँ का प्रसाद ना ही तो आप ग्रहण कर सकते हो और ना ही इसको अपने साथ घर लेकर जा सकते हो। आइए जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी की पूरी कहानी। कहा जाता है कि मेहंदीपुर बालाजी का ये मंदिर हजारों साल पुराना है। इस मंदिर के पीछे की कहानी ये मानी जाती है कि एक दिन महंत जी, जो कि एक समय बालाजी मंदिर के प्रधान हुआ करते थे, उनके पूर्वजों के सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने महंत जी के पूर्वजों से अपनी सेवा करने को कहा। आज जिस जगह पर मंदिर स्थापित है, एक समय यहाँ घना जंगल हुआ करता था, और फिर एक दिन उसी जंगल में अचानक से बालाजी की मूर्ति प्रकट हुई। ये वही मूर्ति थी जिसे महंत जी के पूर्वजों ने अपने सपनों में देखा था। इस इंसिडेंट के बाद महंत जी के पूर्वजों को एहसास हुआ कि बालाजी सच में उनके सपनों में आए थे और उन्हें अपनी सेवा करने को भी कहा था। उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया और तभी से यहाँ पर बालाजी के इस विशाल मंदिर की स्थापना हो गई। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात तो साइंस भी मानती है, और ये मंदिर इसी बात का एक साक्षात प्रमाण है। इस मंदिर में दूर दूर से लोग भूत, प्रेत, आत्मा, काला जादू से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, और इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि जो भी इंसान इस मंदिर में जाता है उसको अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होते हैं, मानो जैसे कि उसके आसपास कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो, मोस्टली नेगेटिव। चौंका देने वाली बात तो ये है कि जिस जगह पर मंदिर बना हुआ है वहां का वातावरण काफी ज्यादा गर्म है, लेकिन मंदिर के भीतर लोगों को ठंड का एहसास होता है, और इस मंदिर का माहौल कुछ इस प्रकार का होता है कि पहली बार बालाजी के दर्शन करने गया व्यक्ति वहां के माहौल को देखकर भयभीत हो सकता है। भूत, प्रेत और साये से पीड़ित लोग बालाजी के इस मंदिर में इधर उधर छटपटा रहे होते हैं। जहां मंदिरों में अक्सर आपको आरती करने की और घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, वहीं मेहंदीपुर बालाजी में आपको पोजेस्ड लोगों की चीखें और रोने की आवाजें सुनने को मिलती हैं। वहां स्थापित बजरंग बली की शक्तियों का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि जब उनकी आरती शुरू होती है तो जिन भी लोगों के शरीर में किसी साये का वास होता है वो उनकी आरती को सहन ही नहीं कर पाते। वो अपने कान बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि आरती उनके कानों तक ना पहुंच पाए। वो अपने शरीर को कुछ इस तरह से मोड़ने लगते हैं जैसे किसी हॉरर मूवी में कोई पजेस्ड इंसान अपनी बॉडी को मोड़ता है। जब डॉक्टर्स भी अपनी सारी उम्मीद खो देते हैं तो लोग अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बालाजी के पास आते हैं और खुशी खुशी यहाँ से ठीक होकर भी जाते हैं। एक दो नहीं बल्कि कई हजारों लाखों लोगों का कहना है कि बालाजी के मंदिर से आने के बाद उनको एक नया जीवन मिला है, और इसीलिए कहा जाता है भूत पिसाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालाजी के मंदिर में हनुमान जी तो प्रमुख देवता हैं ही, परंतु प्रेतराज सरकार और कोतवाल भैरव बाबा की भी यहाँ पूजा की जाती है। इन तीनों देवताओं को भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित माना जाता है, इसीलिए जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसके कष्टों को बालाजी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा हर लेते हैं। भले ही ये तीनों देवता एक ही मंदिर में विराजमान हो, लेकिन तीनों को अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद। बालाजी का मंदिर केवल मंदिर ही नहीं बल्कि एक कोर्ट के समान है जहां हर दिन अदालत लगती है जिसके जज स्वयं बजरंगबली होते हैं। जैसे ही किसी पीड़ित व्यक्ति को बालाजी के सामने पेश किया जाता है वो अजीबोगरीब तरीके से बर्ताव करने लगते हैं। कभी वो अपना सर जोर जोर से घुमाने लगते हैं तो कभी गुलाटियां खाकर इधर उधर गिरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के बाद भैरव बाबा बुरी आत्माओं को बंदी बना लेते हैं।
जिसके बाद उस पीड़ित व्यक्ति को पीछे की तरफ पहाड़ी की गोद में बने प्रेतराज के मंदिर ले जाया जाता है। प्रेतराज सरकार के मंदिर में इन बुरी आत्माओं को सजा दी जाती है। यहाँ का दृश्य मंदिर की सभी जगहों में सबसे ज्यादा खौफनाक होता है, क्योंकि यही वो आखिरी स्थान होता है जहां पीड़ित के शरीर से बुरी आत्मा को निकाल दिया जाता है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका इस मंदिर में खास ख्याल रखा जाता है, जैसे कि डू नॉट ईट द प्रसाद। कहा जाता है कि बालाजी के मंदिर में आपको जो भी प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही आप उसको अपने घर लेकर जा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो माना जाता है कि मंदिर में भटक रही आत्माएं आपके ऊपर हावी हो सकती हैं। इसीलिए द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आर कि अगर आपको प्रसाद दिया भी जाता है तो आप उसको या तो यहीं छोड़कर चले जाओ या फिर उसको अग्नि में डाल दो। और अगर आपको मंदिर के मुख्य पुजारी के अलावा कोई भी प्रसाद देने की कोशिश करता है तो आप उसको लेने से साफ इनकार कर दीजिए। द सेकेंड प्रैक्टिस इज डू नॉट टर्न बैक। मंदिर के सारे कार्य संपन्न होने के बाद जब आप मंदिर से निकल रहे हो तो बोला जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। भले ही आपको कोई कितनी भी आवाज देना चाहे, चाहे वो आपका कोई परिवार वाला या कोई दोस्त ही क्यों ना हो, डू नॉट लुक बैक। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है क्योंकि कहा जाता है कि एक बुरा साया आपको देख रहा है और आपका पीछे पलट कर देखना उसके लिए एक इन्विटेशन जैसा होता है। मंदिर से बाहर निकलने के लिए पहले मंदिर में जाना पड़ेगा, और जैसे ही आप मंदिर में एंटर करते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज को छूना नहीं है और किसी भी अनजान इंसान से बात नहीं करनी है, बिकॉज नो वन नोज कि किसके कॉन्टैक्ट में आने से आपके साथ क्या हो सकता है। और फाइनली जब आप मेहंदीपुर गांव को छोड़कर जा रहे होते हैं तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना होता है कि आपके पास मंदिर से या गांव से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना हो। अब वो चाहे कोई पानी की खाली बॉटल ही क्यों ना हो, यू हैव टू लीव एवरीथिंग हियर। तो ये थे राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी। क्या आप कभी मेहंदीपुर बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी जैसे किसी मंदिर गए हो? और अगर हाँ तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस थे, ये हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करके जरूर बताना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपको मेहंदीपुर बालाजी के बारे में ऑलरेडी पता था। और साथ ही ऐसे ही भारत और सनातन धर्म से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए नमस्त्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।